नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 21 अक्टूबर साल 2024 का राशिफल। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 21 2024 सोमवार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और इस दिन राहु काल सुबह के 7:52 से लेके सुबह के 9:23 तक मान के चले। शाम को 6:15 तक चंद्रमा वृषभ उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातक, आपको कुछ धन प्राप्त होने वाला है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश की योजनाएं भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में किसी पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। आप अपने शानदार कम्युनिकेशन स्किल से बॉस को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में ऊपरी अधिकारियों का समर्थन आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपको कमर में दर्द है तो दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी की सहायता लीजिए। कहीं घूमने जाने का प्लान आज आपको किसी की व्यस्तता के कारण टालना पड़ सकता है। आप अपने आय और व्यय के लिए बजट बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आपने व्यापार में किसी को धन उधार दिया था तो आपको वापस मिल सकता है। आप किसी दूसरे के मामले में ना बोले तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो वो आपको बड़ा भला बुरा भी बोल सकता है। काम काज ढूंढ रहे लोगों को कोई खुशखबरी आ सकती है। आज के दिन यदि आप गाड़ी चलाते हैं खुद तो आप बिल्कुल संभाल कर चलाएं। नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। प्रेम की स्थिति में सुधार होगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 6। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक, आर्थिक रूप से आज अच्छा है। आज के दिन आप सबसे मिलजुल के रहें। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भाग्य उदय जैसा पूरा योग बन रहा है। कंप्यूटर से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनेगी। आज आप जो करते हैं उसमें सावधानी बरतें, चोट लगने का खतरा रहेगा। मित्रों के साथ अचानक यात्रा पर जाने का निर्णय ले सकते हैं। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। इस समय उनका फोकस बाहरी गतिविधियों और मौज मस्ती पर रहेगा। आज के दिन काफी भाग दौड़ रहेगी। पार्टनर के साथ किसी भी तरह की अनबन ना होने दें। स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। आज के दिन जीवन साथी आपके लिए कोई फायदे की बात करेंगे। प्यार में शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 4। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक, आज का दिन तो बहुत अद्भुत रहने वाला है। दूसरों के चक्कर में आपका बुरा हो सकता है आज के दिन, तो उसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दिन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा सोच समझ कर करें। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो किसी ब्रोकर की बात पर भरोसा करने के बदले अपना रिसर्च करें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित होंगी। ऑफिस का काम काज रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा।
घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आज किसी अन्य व्यक्ति हाथ में अपना वाहन देने से बचें। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए आप तैयार रहें। पति पत्नी दोनों मिलकर घर परिवार की देखरेख संबंधी योजनाओं पर विचार करेंगे। आज के दिन मिथुन राशि के जातक, आपकी कोई गुम हुई पुरानी वस्तु मिल सकती है। आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट करने में लाभ होगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई उपहार मिलेगा, जिससे कि आप दोनों के संबंध में मधुरता बढ़ेगी। और दूसरों की बात भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, आपको लाभ मिलेगा। सामने आई समस्याओं को सुलझाने में आप सफल साबित होंगे। कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशखबरी मिलेगी। जिन जातकों को टेंशन रहती हो, गायत्री मंत्र का जाप करें। रिलेशनशिप वाले को अच्छे नतीजे हासिल होंगे और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 9। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक, आज आप सट्टे और लॉटरी से दूर रहें, नहीं तो नुकसान होगा। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय के लिए दिन एकदम बढ़िया है। किसी खास इंसान की मदद से आपके रुके काम आगे बढ़ेंगे। रिसर्च और विज्ञान से जुड़े छात्रों को अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। आप भाईचारे को बल देंगे और पारिवारिक एकता बढ़ेगी। यदि आप घर से बाहर किसी नए काम को करने गए हैं, तो अपने माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। आप दिनचर्या में बदलाव के कारण अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। लेकिन आप विवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आप किसी से उधार लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके करीबी किसी काम में आपका पूरा साथ देंगे। दूषित पानी और खान पान की वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते समय अपने सामान को लेकर सतर्क रहें। परिवार के किसी मामले पर अपनी पकड़ बनाकर रखने की जरूरत है। आपके पर्सनल काम काफी हद तक पूरे होंगे। आज आप पूरे दिन रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। प्रेमी के साथ आपको डिनर पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके लिए शुभ अंक होगा 5। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक, आज के दिन कर्ज आदि से दूर रहें। व्यावसायिक प्रगति के लिए आज का दिन अनुकूल है। अपने काम के प्रति एकाग्रचित रहें। नौकरी पेशा लोग ट्रांसफर लेने की कोशिश ना करें तो अच्छा रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स आज अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। कुछ चीजों से परहेज और सतर्कता आपको मौसमी बीमारियों से दूर रख पाएगा। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। कुछ नई चीजें सीखने और समझने में समय बिताएंगे। कोई भी सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन खर्चा ज्यादा होने की उम्मीद है। हालांकि आमदनी के बढ़ते साधन से कोई परेशानी नहीं होगी। निजी जीवन से जुड़ा कोई भी जोखिम लेने से बचें। मन में कुछ नकारात्मक विचार उठ सकते हैं। नकारात्मक चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में लाभ के बजाय मेहनत अधिक रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। रिलेशनशिप में उलझे रहकर खुद का नुकसान नहीं होने दें। आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 3। आज के दिन यात्रा बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, अर्धन के मामले में सावधान रहें। कंप्यूटर से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही है। व्यापार में कुछ नया काम करने के बारे में सोच सकते हैं। नौकरी के संदर्भ में आप में से जो लोग बदलाव की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नए अवसर प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। थायराइड और रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोग किसी आधिकारिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज वाहन की पार्किंग सेफ जगह पर ही करें।
आज विरोधी भी आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा करने से आपको फायदा होगा। बच्चों का ज्यादा समय आज सोशल मीडिया पर बीतेगा। अच्छा रहेगा कि पढ़ाई पर ध्यान दें। महिलाएं आज अपने घर के कामों से जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। लव मेट्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आज किसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। विवाहित लोग अपनी शादी से थोड़ा ऊब महसूस कर सकते हैं। आज आपके लिए शुभ अंक होगा 2। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक, आज आपको समय की कीमत पहचाननी होगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको उसे बढ़ाने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी में महिलाओं पर अत्यधिक कारभार हो सकता है। ऑफिस का काम अपनी जिम्मेदारी पर ले रखा है तो गलती ना छोड़ें। सेहत में थोड़ा बदलाव दिखेगा, लेकिन तकलीफ कुछ देर ही रह सकती है। तनाव को कम करने के लिए किसी शांत जगह पर जा सकते हैं। कुछ खर्चा भी होगा आज। आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको किसी खास जो पड़ोस के लोग हैं उनसे वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आप संतान की पढ़ाई से संबंधित किसी शिक्षा को लेकर किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप किसी से धन उधार लेना पड़े तो बहुत ही सोच विचार कर लें, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप विभिन्न स्रोतों को पाकर अपने निवेश को और बढ़ा सकते हैं। आर्थिक मामलों में आप सहज रहेंगे। आज के दिन किसी से प्रेम करते हैं तो धोखा मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 7। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक काम ज्यादा होने पर पारिवारिक सुख के लिए समय निकालेंगे। इस समय अपनी कार्यकुशलता पर पूरे विश्वास के साथ अपनी योजनाओं की शुरुआत करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें। किसी के साथ संवाद करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना है आपको आज। फाइनेंस से जुड़ा काम कर रहे लोगों को मन मुताबिक डील मिलेगी। आपको बिजनेस में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। आपके सामने कई जिम्मेदारी वाले काम भी आ सकते हैं। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपको कमर में दर्द है तो दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी की सहायता लें। बिना किसी मकसद के अनावश्यक इधर उधर घूमते रहना आज के दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कागजी कार्य या आदेश को पूरा करते समय पूरी सावधानी बरतें। आज के दिन प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छा दिन कहा जाएगा। आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो राहु काल देखकर ही खरीदें। अपने साथी के साथ कुछ खालीपन महसूस कर सकते हैं। आपके लिए शुभ अंक होगा 6। हम बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातक आज आपको धन लाभ हो सकता है। आज आप अपने व्यवसाय की किसी नई डील को शर्तों के साथ फाइनल कर सकते हैं। कामकाज में तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही करें। पोषक तत्वों से भरपूर स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए समय निकालें। यदि आप कार से यात्रा कर रहे हैं तो आपको सड़क पर कुछ परेशानी हो सकती है। आपके मनोबल का स्तर अच्छा रहेगा। आज बिजनेस में परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी पहले से अच्छी बनेगी। इस राशि के लव में आज के दिन अच्छा काम करेंगे। आज भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपके और भाई के बीच किसी बात को लेकर चर्चा होगी। विद्युत उपकरण खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। आज अपनी कीमती वस्तु को आप संभाल कर रखें। अविवाहित जातकों को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। रिलेशनशिप में आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज के लिए शुभ अंक होगा 4। हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक आज अचानक लाभ और हानि की स्थिति बन सकती है।
इसलिए जो भी कार्य करें उसमें सावधानी बरतें। व्यापार में अच्छा उछाल आएगा, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। आज का दिन ऊंचाइयों को छूने वाला है। आप मनोरंजन के कार्यक्रम में कुछ समय बिताएंगे और परिवार में वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। भाईचारों को बढ़ावा मिलने से आपसी तनातनी समाप्त होगी। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो आप पूरा करने की कोशिश करें और पूरा हो जाएगा। थकान से बचे रहने के लिए आपको काम के बीच में पानी पीते रहना जरूरी है। यात्रा करते समय कई कठिनाइयां आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा करने से बचें। परिवार के किसी नौजवान की शादी तय होने की संभावना है। इस राशि के विवाहित जातक अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। प्रेम जीवन में तनाव से दूर रहें। आपके लिए शुभ अंक होगा एक। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक, आज आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में दान करें जिसका आपको लाभ मिलेगा। व्यवसायिक गतिविधियां संबंधी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज उसे सुलझाने का उचित समय है। लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं, उनका आज समय अच्छा है। नौकरी पेशा व्यक्ति दफ्तर में जिम्मेदारी होने के बावजूद परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे। आज त्यौहार के मौके पर कुछ करीबी लोगों से मिलने जा सकते हैं। यह मुलाकात आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकती है। सामाजिक स्तर पर भी आपको एक नई पहचान मिलेगी। आज का कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत होगा। अपनी सफलता का ज्यादा दिखावा ना करें, यह आपके प्रतिनिधियों के बीच ईर्ष्या की भावना पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य मानसिक तनाव के चलते सिर में दर्द होगा। बिजनेस के किसी काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आज के दिन समाज में आपका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। आज के दिन जोड़ों में किसी प्रकार के दर्द बढ़ सकते हैं। आज अचानक आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक होगा 8। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातक, आर्थिक रूप से अच्छा दिन है। व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। टेंट हाउस वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में हर मामले को अपने स्तर से निपटाने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। युवा और व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कैरियर पर ध्यान दें। अपने डेली रूटीन में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। यदि आपके पास माइग्रेन होने का इतिहास है तो दिन के अंत में आपको सिर दर्द या माइग्रेन का अनुभव हो सकता है। परिवार के साथ किसी खूबसूरत जगह की यात्रा पर जाने का विचार किया जा सकता है। आज कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत होगा। अपनी सफलता का ज्यादा दिखावा ना करें, यह आपके प्रतिनिधियों के बीच ईर्ष्या की भावना पैदा कर सकता है। आपका रुझान रचनात्मक कार्यों की तरफ ज्यादा रहेगा। आज आप नोवेल पढ़कर अपना समय व्यतीत करेंगे। आज अपने जीवन साथी को गुलाब के फूल भी दे सकते हैं और आपके व्यवहार से आपका जीवन साथी खुश होंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। छात्रों का जो ऑनलाइन कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से काफी अच्छा रहेगा। घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। आज आप अपने बढ़ते खर्च को रोकने का नया प्लान बनाएंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज दिल की बात कहने में सफलता मिल सकती है। आज आपका साथी थोड़ा चुप रह सकता है। बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का हल निकालें। आपके लिए शुभ अंक होगा 5। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।